बच्चों आज मैं सबसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछूंगा। चलिए बताइए, तुम बहुत सुंदर हो, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? नंदिनी तुम बताओ। सर इसको यू आर वेरी ब्यूटीफुल बोलेंगे। बहुत अच्छी बेटा। थैंक यू सर। अरे सर ये तो बहुत आसान है, ये चीज मुझसे पूछिए आप। अच्छा हरी बेटा बताओ, उसकी छाती खुशी से फूल गई, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? हिज चेस्ट स्वेल्ड विद जॉय। कत्तई, इसको इंग्लिश में कहेंगे ड्यू टू हैप्पीनेस हिज चेस्ट टर्न्ड इनटू बूम्स। इसके ऊपर एक भोजपुरी का गाना भी है, तहर फूलल फूलल फुलौना। इतना समझ नहीं आता तुझे? नंदिनी बेटा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, मन कर रहा है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके फेंक दूं। सर फेंक ही रहा है तो बुरा बैक बेंच फेंकेगा सर, हम लोग का भी काम हो जाएगा। कुत्ते बुरा तेरे तरफ फेंकूंगा तो मैं क्या तुझे देख के हिलाऊंगा? हां मेरी माल को रगड़ना चाहता है। मदरफकर तेरे औजार में कीड़े पड़े भोसरी वाली। क्या हो गया बेटा नंदिनी, ऐसी गाली नहीं देते। सर हरी ने सर मेरे बुबू दबाए सर। ऐसे दबाए? यस सर। और फिर भी तुमको गाली नहीं देनी चाहिए सर। फिर उसने मेरे कपड़े खोले सर। ऐसे खोलने लगा? यस सर। और फिर भी तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए सर। उसने मेरे साथ सेक्स भी किया सर। क्या उसने ऐसे सेक्स किया? यस सर। और फिर भी तुमको उसको गाली नहीं देनी चाहिए सर। फिर उसने मुझे बाद में बताया सर उसको एड्स भी है सर। एड्स देने वाली भोसड़ी वाली, तेरे जैसे छिनार की चोदियों के लिए एनसीईआरटी किताब में एक सजा लिखी है। हाथ मोड़म, कोक फोड़म। सर मेरा बच्चा।